वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनसे भिंडी में तार बन जाती है जब वो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाकर दिखाती हूँ अपने तरीके से, जिसमें बिल्कुल भी तार नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, हमने भिंडी को धो के कपड़े से अच्छी तरह से सोख कर लिया है, अच्छी तरह से पोंछ लिया है। तो अब हम इसको कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से भिंडी को कट कर लिया है। हमने इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं कट किया है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है। तो इस तरीके से हमने प्याज को कट कर लिया है। और भिंडी बनाने के लिए हमने लिया है टमाटर और अदरक को इस तरीके से हमने प्रेस किया हुआ है। और साथ में ली है दो हरी मिर्च, दो रेड मिर्च। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हो गया है गर्म और अब हम इसमें डालते हैं जीरा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भिंडी को बिना प्याज टमाटर अदरक डाले हम भिंडी को फ्राई करेंगे, अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। कलर के लिए देंगे मिर्च, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। फ्रेंड्स, अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ और भिंडी को रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। जिस कढ़ाई में हमने भिंडी फ्राई की है उसी में अब हमने उसी ऑयल में हम डालेंगे प्याज, अदरक और रेड और ग्रीन चिल्ली और इसे भी रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और इसे भी रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम हल्का हल्का सा सभी मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि इसके अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है क्योंकि हम पहले भी भिंडी में मसाला डाल चुके हैं। फ्रेंड्स, और कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। फ्रेंड्स, हमारे प्याज भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब हम भिंडी और प्याज को मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज और भिंडी को कर दिया है मिक्स और देखिए हमारी भिंडी बनके रेडी हो गई है और एक भी तार नहीं बनी है इसमें। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी भी भिंडी में एक भी तार नहीं बनेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें करते हैं धने पत्तियों से गार्निश। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको करके दिखाते हैं आपको प्लेट में सर्व। तो फ्रेंड्स, हमने कर ली है प्लेटिंग और देखिए हमारी एकदम से क्रिस्पी और बिना तार वाली भिंडी बनके हो गई है रेडी। जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उतनी ही ये टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी और वीडियो में और रेसिपी के साथ और व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।